गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 15, कंजक्शंस। कंजक्शंस मीन्स संयोजन के रूप। कंजक्शन मीन्स मैं बता देती हूँ, संयोजन के रूप जो होते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। जो शब्दों और वाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है ना, वो होता है कंजक्शंस। अपन पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे कंजक्शंस की। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। जो कंजक्शंस है, एक शब्द है, कंजक्शन मीन्स संयोजन। संयोजन, संयोजन से ही पता चल रहा होगा कि कोई चीज़ों को जोड़ना। तो अ कंजक्शन इज वर्ड विच इज यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। एक संयोजन एक शब्द है जिसका उपयोग दो शब्दों या वाक्य को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कंजक्शंस का। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, अपन देख लेते हैं। फर्स्ट, द रूम इज स्पेसेस होता है विशाल। द रूम इज एयर, कमरा विशाल है, कमरा हवादार है। मतलब इसमें ही आपको पता चल रहा है कि एक कमरे के बारे में बता रहे हैं अपन, तो बार बार कमरे शब्द को बार बार बोल रहे हैं। तो अब जैसे कंजक्शन मीन्स अब आएगा, द रूम इज स्पेसेस एंड एयर। तो यहाँ पर क्या लगा दिया अपन, जब एक कमरे के बारे में दो बातें की जा रही है कि वो विशाल भी है और हवादार भी है, तो अपन उसके बारे में, उसके बीच में क्या लगा देंगे, एंड। एंड मतलब और। तो द रूम इज स्पेसेस, कमरा विशाल है, द रूम इज एयर, कमरा हवादार है। तो अब इस एयर और स्पेसेस, इन दोनों वर्ड किस एक कमरे के बारे में बात की जा रही है, एक कमरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर उसको क्या करेंगे, द रूम इज स्पेसेस एंड एयर, कमरा विशाल और हवादार है। तो इसमें अपन ने कंजक्शन कौन सा लगाया, एंड। नेक्स्ट है, रिया इज फैट, रिया मोटी है, तनु इज स्लिम, तनु पतली है। तो अब रिया और तन्नू, मतलब रिया के बारे में तो बोल रहे हैं अपन कि भाई ये मोटी है और तन्नू स्लिम, तन्नू स्लिम है। तो अब अपन इसमें क्या लगाएंगे कंजक्शन, बट। देखो, रिया इज फैट बट तन्नू स्लिम, यहाँ पर लग गया किंतु, लेकिन। लेकिन रिया इज फैट, मतलब रिया मोटी है लेकिन तन्नु पतली है। दो लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि रिया तो मोटी है, लेकिन कोई दूसरा कहेगा नहीं, तन्नु तो दुबली है। इसमें कंजक्शंस कौन सा लगा, बट। नेक्स्ट है, शी कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकती, शी इज इल, वह बीमार है। तो इसमें देखो क्या लगेगा कंजक्शंस, बिकॉज। शी ए की लड़की के बारे में बताते हैं कि भाई स्कूल नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, वो बीमार है इसलिए। तो शी कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज इल, वह स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वह बीमार है। भाई अपन कोई क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं जा सकती है, तो अपन बोलेंगे नहीं, वो स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वह बीमार है। इसमें कंजक्शंस कौन सा लगा, बिकॉज। अब नेक्स्ट है, इज योर फ्रेंड टॉल, क्या आपका दोस्त लंबा है। इज ही शॉर्ट, क्या वह छोटा है। तो एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, देखो, इज योर फ्रेंड टॉल और शॉर्ट, क्या तुम्हारा मित्र लंबा है या छोटा है। भाई पूछा जा रहा है क्वेश्चन के रूप में, क्या तुम्हारा दोस्त लंबा है या छोटा है। तो इसमें और लग गया,
टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स एंड, एंड मतलब और, बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि, एंड और मतलब या, ज्वाइन वर्ड ग्रुप वर्ड्स और सेंटेंस सच वर्ड्स आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शंस। देखो उपयुक्त शब्दों में शब्द है लेकिन, क्योंकि, और या शब्दों में शामिल होते हैं। शब्दों का समूह या वाक्य क्या कहलाता है? ज्वाइनिंग वर्ड मतलब मिला जुला शब्द, और जो मिले जुले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं अपन? कंजक्शंस। कंजक्शन संयोजन के, संयोजन कहते हैं उसे। अब इनकी यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? एंड का, सबसे पहले एंड मतलब और, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होएगा? इस यूज फॉर टू पर्सन्स थिंग्स और ऑब्जेक्ट, मतलब और शब्द को जो प्रयोग किए जाते हैं या तो दो व्यक्तियों के बीच के लिए, या दो वस्तुओं के लिए, या दो चीज़ों के लिए अपन एंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है बट। बट मतलब लेकिन। इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बट मतलब लेकिन इज यूज फॉर कंट्रास्टिंग वर्ड ऑफ सेंटेंस। लेकिन शब्द का यूज इस्तेमाल मतलब प्रयोग विपरीत प्रयोग किया जाता है, मतलब शब्दों का जो है विपरीत शब्दों के लिए इस्तेमाल, मतलब जब किसी के बारे में अपन कुछ बोल रहे हैं तब वहाँ क्या होएगा? विपरीत के लिए लेकिन शब्द, जैसे जो बट है उसका शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और मतलब या, इज़ यूज्ड फॉर एन ऑप्शन, और को अपन एक विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं, एक विकल्प के रूप के लिए प्रयोग करते हैं और शब्द का। बिकॉज चूंकि या क्योंकि, इज़ यूज्ड फॉर गिविंग अ रीज़न। बिकॉज मतलब चूंकि या क्योंकि, इस शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? कारण देने के लिए। कोई कारणवश कुछ भी हो जाता है, जैसे कोई बीमार है, कोई कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए अपन क्या देंगे? बिकॉज शब्द यूज़ करेंगे। सो मतलब इसलिए, मीन्स दैट इज़ वाई का मतलब है इसलिए। इफ़ इज़ यूज फॉर कंडीशन, इफ मतलब अगर, स्थितियों के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आए कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं दो शब्दों या एक वाक्य को जोड़ता है उसे कहते हैं कंजक्शंस। क्लियर है? कंजक्शंस में देखो एंड, बट, बिकॉज, और, सो, इफ, ये सब एंड, बट, और, बिकॉज, सो, इफ, ये सब क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं, वो होते हैं कंजक्शंस। थैंक यू।